हमारे सामने ये दो इक्वेशंस हैं। पहले इक्वेशन तो ये है एंड दूसरी इक्वेशन ये रही। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फाइंड करनी है 3a + 2b की वैल्यू। ओके, तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ए और बी वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं 3a + 2b की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2a + 3b, है ना। और सेकेंड इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3a + 2b = 10/3। आई होप जब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ईजी करने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, आप देखो 1/2a + 3b इस इक्वेशन में भी है और अभी इस सेकेंड इक्वेशन में भी आपको मिल जाएगा 1/2a + 3b। ओके, फिर 1/3a + 2b फर्स्ट इक्वेशन में भी है और 1/3a + 2b सेकेंड इक्वेशन में भी मिल जाएगा। तो मैं कुछ अज्यूम कर लूँगा, 1/2a + 3b को x मान लूँगा, 1/3a + 2b को y मान लूँगा। तो मैं लिखता हूँ लेट 1/2a + 3b बी एक्स एंड 1/3a + 2b बी वाई। ओके, तो अगर मैंने इसको एक्स मान लिया है तो मैं यहाँ एक्स लिख दूंगा और इसे मैंने वाई मान लिया, यहाँ मैं वाई लिख दूंगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8/3x + 21y = 10/3। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आगे लिखता हूँ, 8/3x + 21y = 10/3। ये इक्वेशन बन गई है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ, आप देखें डिनोमिनेटर 3 है ना, तो अगर पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिनोमिनेटर भी हट जाएगा और ये इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी। तो मैं इस फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं 8/3x को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 कैंसिल, सिर्फ 8x बचेगा। ओके, तो मुझे मिला 8x। इस सेकेंड टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 63y = अगर मैं 10/3 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 3 3 कैंसिल, बचेगा 10 = मैं 10 लिख दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते 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 मैंने ये बना दिया है और ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर थर्ड कहलाएगी। ओके, आप देखें ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसका नाम हम थर्ड रख देंगे और सेकेंड को सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको हम फोर्थ इक्वेशन बोलेंगे। अब जिस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है सेम उसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो आप देखो इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 1/2a + 3b और 1/2a + 3b को हमने एक्स माना हुआ है, तो ये बन जाएगा 16x और ये बन जाएगा -7y। तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 16x - 7y = 1। 16x - 7y = 1। आप बस ये देखो कि थर्ड इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, तो फोर्थ इक्वेशन का बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। अब ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है मैं इन्हें सिंप्लीफाई करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एलिमिनेशन से करता हूँ, देखो ये 8x है और ये 16x है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 × 2 = 16x हो जाएगा, 63 × 2 = 126y हो जाएगा और 2 × 10 = 20 हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, 16x - 7y = 1। अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूँगा, जब अगर अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये 16x बनेगा -16x, -7y बनेगा +7y और ये +1 अब है -1। 16x - 16x कैंसिल हो गया, 126y + 7y, अब ये -7y नहीं है, अब साइन चेंज हो चुका है ना, तो ये +7y है। इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 133y = 20, -1 का मतलब हो जाएगा 19। तो y की वैल्यू हो जाएगी 19 / 133। आई होप ये क्लियर है।
ओके एंड आई थिंक 19 7 टाइम्स 133 होता है, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। यस 19 7 टाइम्स होता है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 19 1 टाइम्स 19 7 टाइम्स, वाई की वैल्यू मुझे 1/7 मिलेगी, वाई की वैल्यू मुझे 1/7 मिलेगी। अब आप देखो, वाई को आपने अज्यूम किया गया था, आपने माना था क्वेश्चन को स्टार्ट करने का टाइम पर कि वाई 1/3a+2b है, वाई 1/3a+2b है, तो आप वाई की जगह लिख दो 1/3a+2b, ये वाई की वैल्यू है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 3a+2b की वैल्यू मिल जाएगी, 2b की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो शायद आपसे 3a+2b की वैल्यू ही पूछी गई थी जो 7 आपको मिल चुकी है, 3a+2b की वैल्यू पूछी गई थी और ये 7 है। ओके तो 7 तो यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम नन ऑफ दीज पर क्लिक करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।